नाउ ये आपके सामने फुटेज है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की। ये थे फ्रांस के इंटरनेशनल फूड एक्सपो में जब इन पर एक अंडे से अटैक किया गया। किस्मत अच्छी थी कि अंडा इनके सर पे यहाँ पर फूटा नहीं। कुछ महीने पहले आप अगर जाओ तो इन पे एक और असॉल्ट की गई थी जब एक प्रोटेस्टर ने इनको थप्पड़ मारा। और इस टाइप के पब्लिक अटैक्स होने के बावजूद इमैनुअल मैक्रों ने यह कहा कि पब्लिक से मिलना ये बंद नहीं करेंगे। जनता को यहाँ पर हक है प्रोटेस्ट करने का, हाँ प्रोटेस्ट वायलेंट नहीं होना चाहिए। मगर इन अटैक से एक बात यहाँ पे साफ पता लगती है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट की पॉपुलैरिटी फ्रांस में लगातार गिरती जा रही है और 2022 के चुनाव में इमैनुअल मैक्रों का जीतना बहुत ही मुश्किल होगा। फ्रांस के लोग आज के समय मान के चल रहे हैं कि इनके प्रेसिडेंट बहुत जरा वीक है। सबमरीन डील ऑस्ट्रिया से गवा बैठे, लगातार फ्रांस पे आतंकवादी हमले हुए, इन्होंने कुछ ज्यादा बड़ा स्टेप लिया नहीं किसी कंट्री के अगेंस्ट। पाकिस्तान जैसे देश से फ्रेंच सिटीजन को निकालना पड़ा, मगर तब भी इमैनुअल मैक्रों से जो उम्मीद की जा रही थी कि एक बड़ा एक्शन लेंगे, वो एक्शन इन्होंने अभी तक नहीं लिया। और माना जा रहा है कि अपनी गिरती अप्रूवल रेटिंग को बचाने के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इन द कमिंग मंथ्स एक बहुत ही बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, नहीं तो ऑल टुगेदर इलेक्शन में ये हार जाएंगे।